हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या आप जानते हैं पानी पीने का सही तरीका? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक व्यस्त व्यक्ति के बॉडी में 35 से 40 लीटर पानी हमेशा बना रहता है। जिस तरह नहाने से शरीर के बाहर की सफाई होती है, ठीक उसी प्रकार पानी पीने से शरीर के अंदर की सफाई होती है। हमारी हड्डियाँ जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती हैं, उसमें 31% पानी ही होता है। इसके अलावा दांतों में 10%, त्वचा में 20%, हार्ट और ब्रेन में 75%, फेफड़ों में 83%। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि पानी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी चीज है। यही वजह है कि इंसान भूखा तो कई दिनों तक रह सकता है, पर पानी के बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। सुबह सुबह ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपके पेट की सफाई होती है। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, हो सके तो पानी को सिप सिप करके पीजिए। खड़े होकर एक साथ पानी पीने से गैस्ट्रिक, अर्थराइटिस, इंडाइजेशन और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ साथ त्वचा पर दाग धब्बे और पिंपल्स प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। एक सही मात्रा में पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। शरीर में सुस्ती, आलस व रात को अच्छी नींद न आने जैसी समस्याएं होती हैं। आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। आपके शरीर के पानी की कमी है या नहीं, इसका पता आप अपने यूरिन से लगा सकते हैं। यदि आपके यूरिन का कलर येलो है, मतलब है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेट नहीं है। यदि आपके यूरिन का कलर व्हाइट है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी हाइड्रेट है। पानी कम पीने से सबसे ज्यादा असर आपकी किडनी पर पड़ता है, इससे किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप पानी जरूरत से अधिक मात्रा में पीते हो तो आपकी किडनी को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है और बार बार यूरिन पास जैसी समस्या होने लगती है, जिसके चलते रात को आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और ठीक से नींद ना आ पाने के कारण आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है और आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम भी हो सकती है। पानी कब नहीं पीना चाहिए? खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में गैस्ट्रिक जूसेस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पच नहीं पाता और भोजन सड़ने लगता है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। यदि आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो भोजन पतला हो जाता है और अधपचा भोजन आपके शरीर से मल द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे आपको भोजन मौजूद आवश्यक तत्व तो नहीं मिल पाता। फिर चाहे आप कितना भी हेल्दी फूड खा लें, आपके शरीर में इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सुबह सुबह आपको 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपके मुंह में उपस्थित लार आपके पेट में जाती है, जो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती है। पानी हमेशा खाना खाने से 30 या 40 मिनट पहले या खाना खाने के 30 या 40 मिनट बाद ही पीना चाहिए। कभी भी पानी एक साथ बहुत सारा नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पानी आपके शरीर की सभी अंगों को नहीं पहुंच पाता और एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी की पूर्ति के लिए आप हर घंटे 1 ग्लास पानी पिएं। अगर आप बताई गई नियमों को ध्यान में रखकर पानी पीते हैं तो आप अपने आप को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बाय बाय।